पुंडो में फोर लेन कंपनी ACNC के मजदूरों ने समय पर वेतन न मिलने से काम रोक दिया है। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। ये बात भारतीय मजदूर संघ के प्रधान महेंद्र पाल ने कही। उन्होंने कहा कि श्रम कानून के तहत 7 से 10 तारीख तक कंपनी को मजदूरों का भुगतान करना होगा, मगर मजदूरों ने कंपनी को 12 तारीख का समय दिया है, मगर कंपनी अभी तक भुगतान नहीं कर पा रही है और कंपनी का ये ड्रामा हर बार का है। उन्होंने कहा कि जे स्टार किसके टी गार्डन की तनख्वाह 2 महीने से नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अब कंपनी ने पेमेंट नहीं दी तो हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। माता शूलनी, जिनके नाम पर आज शहर का नाम सोलन पड़ा है। माता शूलनी का पिछले कई दशकों से आस्था का प्रतीक शूलनी मेला मनाया जाता है। ये मेला आज से आरंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि शूलनी मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है और इसे हर दर्जा दिलवाने वाले पूर्व भाजपा मंत्री महेंद्र नाथ सोफत है। ये मेला पहले गंज बाजार में सोसाइटी के मैदान में मनाया जाता था। पहले इसका स्वरूप बहुत छोटा था, जहां अब इस मेले के आयोजन में लाखों रुपए खर्च होते थे। पहले ये मेला केवल 500 रुपए में हो जाता था। पहले माता की पालकी को उठाने के लिए मजदूर किए जाते थे, जो माता की पालकी को उठाकर सारे शहर का भ्रमण करवाते थे। इस मेले से जुड़ी और भी कई रोचक जानकारियां सोलन शहर वासियों ने मीडिया को दी। माता शूलनी के मेले का आयोजन करने वाले खेमचंद शर्मा और अन्य शहर वासियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पहले मेला करवाने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे, जिसमें वे बड़ी धूमधाम से मेले का आयोजन करते थे। उन्होंने बताया कि सोलन शहर पहले बहुत छोटा होता था और पुराने उपायुक्त कार्यालय तक ही आबादी होती थी और उससे आगे पंजाब का इलाका आरम्भ हो जाता था, इसलिए माता को वहीं तक ले जाया जाता था और फिर उनकी डोली वहीं से वापस आ जाया करती थी। एक बार लोगों की जिद के चलते माता की पालकी को सुंदर सिनेमा तक ले जाया गया, जिसे माता ने पसंद नहीं किया। फिर माता से माफी मांगकर माता को शांत किया गया। वहीं एक बार शूलनी मेले का आयोजन नहीं किया गया और उस बार माता के प्रकोप से शहर में महामारी फैल गई। फिर माता को शांत करने के लिए शहरवासियों ने माफी मांगी, तब जाकर शहरवासी माता के प्रकोप से बच पाए और तब से अब तक शूलनी मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि सोलन शहर को आज तक कोई आपदा का सामना नहीं करना पड़ा। सभी शहरवासियों पर माता की कृपा बनी हुई है और उनके आशीर्वाद से सोलन शहर में आज तक कोई खाली भूखा नहीं सोया और व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। इस शूलनी मेले में लोग न केवल हिमाचल से बल्कि समूचे भारत वर्ष से माता शूलनी का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में नियम धुआं धुआं हो रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के दावे हवा हवाई दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी धर्मशाला में पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहने को अब हम स्मार्ट सिटी में हैं, पर व्यवस्था स्मार्ट नहीं दिखती है। सुविधाओं की बात की जाए तो छोटा शहर में शुद्ध हवा तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक और जहां धर्मशाला के जंगल आग की चपेट में हैं, वहीं नगर निगम की डंपिंग साइट में भी कूड़े की लगी आग। धर्मशाला शहर के साथ साथ नड्डी, मकलोडगंज, भागसुनाग और धर्मकोट जैसे पर्यटक स्थलों की हवाएं भी जहरीली कर रही हैं। दिन रात कचरा जलने से धर्मशाला शहर सहित आसपास के लोगों का जीना भी दूभर हो चुका है। लोगों को सिरदर्द, आंखों में जलन, बेचैनी, सांस संबंधित बीमारी व चर्म रोग की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। बाहर से आए पर्यटकों का कहना है कि वे अपने इलाकों से गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ की ठंडी वादियों में मजा लेने आए थे, लेकिन यहाँ भी प्रदूषित धुआं ही खाने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट में कूड़ा संयंत्र पिछले एक दशक से खराब पड़ा है, जिसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया है और अब कूड़े कचरे में भड़की आग के कारण प्रदूषित धुआं हवाओं में जहर घोल रहा है, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे धर्मशाला के कोतवाली बाजार,
सुंदेड़ जोनल अस्पताल सहित मकलोडगंज तक की हवा प्रदूषित हो रही है। धर्मशाला नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सुलग रही डंपिंग साइट के लिए स्थायी समाधान बैठक के माध्यम से लिया गया है। बैठक कर फायर हाइड्रेंट लगाने का फैसला लिया गया है। इसकी पाइपें चारों ओर डाली जाएंगी, वहीं कूड़े के ढेर के अलग अलग ब्लॉक भी बनाए जाएंगे ताकि आग लगने पर पूरी डंपिंग साइट में आग ना फैले, और पुराने कूड़े को खत्म करने के लिए विशेषज्ञों से सलाह भी ली जा रही है ताकि मीथेन गैस को पाइपों के जरिए निकाला जा सके। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियंता ब्रिजभूषण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते उन्होंने डंपिंग साइट का निरीक्षण किया था तो आग जलने की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते भी इनको एक नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनके विभाग के मुख्य सचिव ने यहाँ पहुंचकर निरीक्षण किया था और हिदायतें दी थी कि 30 जून से पहले स्थिति में सुधार लाया जाए, अन्यथा उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी अगर जुर्माना होता है तो नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी यह बात नहीं बनती है तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता का कहना है कि डंपिंग साइट से लगातार उठ रहे धुआं फेफड़ों पर सीधा असर डाल रहा है। ये धुआं बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज्यादा घातक है। उन्होंने बताया कि इस धुएं से दमे के मरीजों व अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी तकलीफ हो सकती है।